दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्लासबोर्न प्रिज्म। ये देखिए, ये बैकग्राउंड इमेज है और ये जो हमारा जो कार्ड है उसका उसमें भी बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, लेकिन हमें ये कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने बीच में ग्लास लगाया हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो चलिए, ऐसा कैसे क्रिएट करते मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आउटपुट है और ये हमारा कोड है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे बॉडी में मैंने सिर्फ मिन हाइट और डिस्प्ले अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट लगाया है ताकि हमारा जो भी कंटेंट है वो सेंटर में रहे, इसलिए सिर्फ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं पहले डीएवी ले लेता हूँ, उसमें क्लास लगा देता हूँ कार्ड। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ क्लास। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर लूंगा कार्ड और उसकी जो विथ है विथ में दे दूंगा 400 पिक्सल। ठीक है, और उसमें जो पेडिंग है वो मैं पेडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। ये देखिए, ठीक है, आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ये देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड है जो मुझे यहाँ बॉडी में बैकग्राउंड यहाँ पे सेट करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड भी होना चाहिए और यहाँ पे ये इमेज है वो भी होनी चाहिए। तो सभी यहाँ पे इसके अंदर है, हमारे जो फोल्डर है वहां पे ये बैकग्राउंड इमेज है और ये हमारी इमेज है डीपी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोड में आने के बाद मुझे यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे लगाना होगा बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज का नाम जो है उसको मैं करना है कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। और बैकग्राउंड साइज है उसको मैं कर देना है कवर। ठीक है, और उसके बाद जो बैकग्राउंड की पोजीशन है उसको मैं सेंटर दे देता हूँ ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेंटर में रहे। अब ये देखिए हो गया। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब कार्ड पे आ जाते हैं। तो कार्ड में हमें क्या करवाना है, पहले तो कार्ड को मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देता हूँ कि जो भी हमारा कंटेंट है वो सेंटर में रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे भी सेंटर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इमेज ले लेता हूँ, इमेज का नाम था dp.jpg। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इमेज आ चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी आ गई है इमेज। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे खेलना पड़ेगा कार्ड के अंदर जो इमेज है उसकी जो हाइट है विथ हाइट है वो मैं लगा देता हूँ 120px। और उसकी जो हाइट है वो भी मैं लगा देता हूँ 120px। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ गई हमारे पास इमेज। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस कार्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे शेडो है कार्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, शेडो ले लेना है कार्ड का। मैं शेडो लगा लेता हूँ, शेडो लगाने के बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 10 पिक्सल ग्रे लगा लेता हूँ कलर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी ग्रे। ठीक है, अभी हो गया है ग्रे। यहाँ पे लगाना है कार्ड में हमें। ठीक है, हमने इमेज में लगा दिया था। अब देखिए हो गया। तो इसको थोड़ा सा रेडियस भी हम दे देते हैं 10 पिक्सल, तो ये रेडियस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, जो हमारे पास इमेज है बैकग्राउंड में वो देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको इमेज डायरेक्टली देख सकते हो, कोई ग्लास जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है यहाँ के, आपको दिख भी नहीं रहा है ग्लास जैसा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ कार्ड में हमें लगाना है बैकड्रॉप फिल्टर। क्या लगाना है, बैकड्रॉप फिल्टर। ठीक है, हमें लगाना है बैकड्रॉप फिल्टर और वहां पे ब्लर कर देना है उसको। तो हम ब्लर कर देते हैं 5px। अब देख सकते हैं, सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हो गया। तो चलिए अभी हम कंटेंट उसमें लगा लेते हैं।
तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कॉपी और पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको वेब किट भी लगा देना है ताकि गूगल क्रोम में भी आसानी से चल सके। ठीक है, ये देखिए। अब तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं। इमेज के नीचे इमेज कैसी लग दिख रही है इसमें, ये देखिए बॉर्डर है वाइट, तो इस इमेज को हम रेडियस दे देते हैं 1000 पिक्सल। और यहाँ पे हमें क्या करवाना है, उसमें जो बॉर्डर है उसको मैं लगा देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे अभी हमें सिर्फ कंटेंट डालने हैं, तो कंटेंट में हमें क्या करना है, इमेज के बाद जो हमारा कंटेंट है उसको मैं ले लेता हूँ H2 में। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टीचिंग वेब नेम है, और उसके बाद पी टैग में मैं लॉजिन इप्सम का कंटेंट भी ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये कंटेंट भी आ चुका है हमारे पास। अब ये देखिए, तो दोनों में क्या है, जो कार्ड के अंदर H2 और P है, तो हमें यहाँ पे करना है जो कार्ड है उसके अंदर जो H2 और जो P टैग है उसमें तो पहले मार्जिन दे देना है। मार्जिन टॉप बॉटम 10 पिक्सल दे देता हूँ, लेफ्ट राइट 0 भी। ठीक है, और जो उसका कलर है वो मुझे देना है वाइट। अब आप देख सकते हो ये हो गया, ये देखिए। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इसकी हाइट दी है इसलिए। ठीक है, जो कार्ड है उसकी हमने हाइट सेट की है इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ, हाइट लगा देता हूँ मैं 500 पिक्सल। तो ये देखिए आप, हो गया। तो इसमें देख सकते हैं आप सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, सेंटर में लेने के ये 3 प्रॉपर्टी को यहाँ से मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ और मेरे कार्ड में है जाके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आ गई। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, डायरेक्ट मैं कॉलम दे देता हूँ, अब देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जो बैकग्राउंड है वो आपको पहले तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, उसके बाद में ग्लास में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।